हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सीरीज़। यहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पर टेंपल आर्किटेक्चर में हम नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट बना के चैनल पर है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में स्पेसिफिकली, तो उसके बारे में जानेंगे ये क्या है द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर और ये नगरा टेंपल आर्किटेक्चर से कितना डिफरेंट है। सबसे पहले ये नगरा टेंपल आर्किटेक्चर है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो टेंपल है वो है द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर। ये बेसिकली साउथ इंडिया में जितने भी टेंपल्स बने हैं वो द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर पर बने हैं। फिर बीच में एक विसारा टेंपल आर्किटेक्चर है जो कि डेक्कन इंडिया यानी मिड इंडिया में है, नॉर्थ और साउथ के बीच में मर्जर पर ये विसारा टेंपल आर्किटेक्चर है। तो ये तीन टाइप के जो मेन टेंपल आर्किटेक्चर जो इंडिया में प्रिवेल हैं वो ये तीन टाइप के टेंपल्स हैं। तो द्रविड़ियन टेंपल आर्किटेक्चर के बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो द्रविड़ियन टेंपल आया था ये आया था नगरा टेंपल के बाद में। हालांकि नॉर्थ इंडिया में पहले ये आ गया था 3rd सेंचुरी में, गुप्ता डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई थी तभी 3rd सेंचुरी के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर आ चुका था। वहीं जब गुप्ता डायनेस्टी जब एंड पर आई यानी कि 5th सेंचुरी के आसपास में, तब ये साउथ में द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर तब स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी के बाद में। तो यानी कि ये नगरा स्टाइल नॉर्थ में था वो पहले भी आ चुका था और साउथ में आया था ये द्रविड़ियन, लेकिन बाद में आया था। तो ये मेनली साउथ इंडिया में ही ज़्यादा पॉपुलर है ये, इसमें जितने भी हमारे पॉपुलर टेंपल्स हैं वो सारे साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे हमें द्रविड़ियन टेंपल में। तो द्रविड़ियन टेंपल के फीचर की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये नोट करना चाहिए कि जैसे कि नगारा टेंपल स्टाइल में था कि जो पूरा टेंपल का मेन जो टेंपल बिल्डिंग है वो एक प्लेटफॉर्म पर, जिसे हमने जगती कहा, तो जगती वाला जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है थोड़ी सी हाइट पर उठा हुआ है उस पर मेन टेंपल सिचुएटेड है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा ग्राउंड लेवल पर ही ये टेंपल, यहाँ के द्रविड़ियन टेंपल ग्राउंड लेवल पर ही सारे सिचुएटेड रहते हैं, एक दो स्टेप रहती है बाकी का बस, लेकिन मेनली ग्राउंड पर ही रहते हैं। लेकिन जो द्रविड़ियन टेंपल है इनकी कंपाउंड वॉल होती है, जैसे कि नगारा टेंपल आर्किटेक्चर में जितने भी टेंपल थे उनकी कोई कंपाउंड वॉल नहीं होती, वो किसी एक कंपाउंड वॉल से इनक्लोज नहीं होते। लेकिन ये वाले टेंपल इनक्लोज बाय अ कंपाउंड वॉल, इनमें कंपाउंड वॉल होती है। तो सबसे एक देखने पे डिफरेंस यही पहचानने में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे टेंपल आर्किटेक्चर जो साउथ का है द्रविड़ियन वाले में कंपाउंड वॉल होती है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई एंट्रेंस करेगा टेंपल में, नॉर्थ इंडिया वाले टेंपल में क्या था कि सिर्फ एक ही मेन डायरेक्शन है, हालांकि उसकी कोई एंट्रेंस वॉल नहीं है यानी कंपाउंड वॉल नहीं है, लेकिन जो मेनली एंट्रेंस करेंगे कोई भी तो फ्रंट से ही एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम ऑल डायरेक्शन से मतलब चारों डायरेक्शन से इस टेंपल को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्शन चारों जो एंट्रेंस है वो चारों डायरेक्शन में है इन टेंपलों की। और इनके जो एंट्रेंस गेटवे हैं, ये बिल्डिंग कंपाउंड है पूरा, तो यहाँ पे चारों तरफ से इनकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के टाइम पे ये बहुत बड़े गेटवेज बनाते हैं, इन गेटवेज को बोलते हैं गोपुरम्स। ये गोपुरम्स काफ़ी लार्ज होते हैं, ये टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्रेपेजोइडल टावर टाइप का होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट में होता है, पिरामिडेबल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी मतलब डेकोरेट करके रखते हैं ये लोग। और ये गोमुख से इंस्पायर्ड हैं, ये गाय का मुंह टाइप का लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटिव टावर है और जो कि मेन एंट्रेंस कंपाउंड वॉल पर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है कि जैसे कि ये गोपुरम्स होते हैं, ये एक टेंपल का मेन प्लान है, ये द्रविड़ियन टाइप स्टाइल में एक टेंपल है, तो ये जो एंट्रेंस है चारों तरफ में ये है गोपुरम्स,
ये बहुत ही एंट्रेंस के टाइम पे एक टावरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो ये बीच में जो टेंपल कंपाउंड है शिखारास वाले से भी ज़्यादा हाइट में ये गोपुरम्स हो जाते हैं। कुछ कुछ टेंपल्स में ये ऐसा देखने को मिला है कि ये जो गोपुरम्स हैं ये मेन टेंपल का जो टावर है ये उससे भी ज़्यादा हाइट में होते हैं। ये जो गोपुरम्स होते हैं जिसकी इस वाली इमेज में, बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटिव होते हैं और इस गोपुरम्स में छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स होते हैं। ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह से द्वारपाल्स होते हैं पूरी मेन बिल्डिंग के कंपाउंड में। जो ये पूरी बिल्डिंग का कंपाउंड है इसके मेन सेंटर में टेंपल जो मेन टेंपल की बिल्डिंग है वो सेंटर में रहेगी, और साइड में चारों तरफ से एंट्रेंस गेटवे पे ये गोपुरम्स रहेंगे। गोपुरम्स के अंदर ये स्कल्पचर्स इनकार्ड रहेंगे। इनका ये सिग्निफिकेंस है, ये द्वारपाल्स कहते हैं इन्हें, ये इनको माना जाता है कि ये द्वारपाल्स हैं और ये गार्ड हैं। ये जो पूरे मेन टेंपल बिल्डिंग का ये गार्ड्स हैं, ये उनकी सुरक्षा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइट में होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट होते हैं या बहुत ज़्यादा भव्य होते हैं। इसका भव्य होने का ये एक रीज़न है कि टेंपल एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है और वो पूजा करने की जगह है। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन उसमें एंटर करता है तो उसके माइंड में एक ये चीज़ होनी चाहिए कि वो एक टेंपल में एंटर कर रहा है। टेंपल बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है और जहाँ पे वो जा रहा है वो भगवान का घर है। तो भगवान का रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही बड़े एक बहुत बड़ी चीज़ है भगवान, तो उसके लिए एंट्रेंस कर रहा है तो उसमें एक ऐसा विजुअलाइज दिखाने के लिए कि जो गॉड है, गॉड बहुत बड़े हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे गोपुरम्स की काफ़ी ज़्यादा भव्य, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है यहाँ पे गोपुरम्स को। तो गोपुरम्स हो गए एंट्रेंस। जैसे ही गोपुरम्स में एंटर करेंगे, जैसे कि ये एक सेक्शनल व्यू है किसी भी एक ड्रेविडियन टेम्पल का, जनरली ऐसे ही होते हैं सारे ड्रेविडियन टेम्पल्स। तो ये एंट्रेंस में ये गोपुरम है, ये पूरा मेन बिल्डिंग कंपाउंड है, टेंपल कंपाउंड है। तो यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया खाली मिलेगा हमें, ये है सेंट्रल कंपाउंड। ये सेंट्रल कंपाउंड गोपुरम्स के बाद लोकेट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस होती है। अच्छा, पूरी मेन बिल्डिंग जो रहती है उसके अलावा भी पूरे टेंपल में यहाँ पे खाली जगह है, तो वो जगह टेंपल में पूजा करने के अलावा या फिर जितने भी रिचुअल्स हैं उन उन सारी चीज़ों करने के अलावा भी जो बाकी की जगह है वो मास गैदरिंग के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे कि कोई भी पहले के टाइम में विलेजेस थे, तो विलेजेस में पीपल को इकट्ठा करना, वहाँ पे कोई भी मैसेज देना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ रहा है, तो वो सारी जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे टेंपल में हुआ करते थे। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा बड़ी जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया करते थे, तो पब्लिक गैदरिंग के लिए टेंपल यूज़ हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें द्रविड़ियन स्टाइल में हैं, नगारा स्टाइल में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इनके बाद इस चीज़ के बाद एक जो मेन चीज़ है वो है यहाँ का वाटर टैंक। मेन बिल्डिंग कंपाउंड में जहाँ पे इस फ्री स्पेस है वहाँ पर हमें एक वाटर टैंक देखने को मिलता है द्रविड़ियन स्टाइल टेम्पल में। यहाँ पर पानी भरा रहता है और ये बेसिकली ये जो विलेज में इमरजेंसी टाइम में अगर पानी ज़रूरत पड़ता है किसी को तो वो टेम्पल से यहाँ से पानी ले सकता है। तो यहाँ पे टेम्पल में टैंक है जिसके अंदर पानी रहता है, तो वो इमरजेंसी यूज़ के लिए पानी है। तो ये भी एक फीचर है इस द्रविड़ियन टेम्पल का। जो गेट्स हैं कंपाउंड के वो चारों डायरेक्शन में हैं, जैसे कि इसमें चारों डायरेक्शन में ये गेट है। बेसिकली गोपुरम गेट ही होता है, ये मेन गेट होता है जिसके जो मंदिर के अंदर एंट्रेंस देता है। इसके बाद द मेन टेम्पल बिल्डिंग इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस टेम्पल कंपाउंड। हाँ, जाहिर सी बात है ये एक टेम्पल कंपाउंड है, इसके बीच में मेन जो ये पूरी मेन बिल्डिंग है ये इसी के ये सेंट्रली लाई करती है इस पूरे टेंपल कंपाउंड में। ये सेक्शनल व्यू है,
जहाँ पर ये पूरा मेन टेम्पल कंपाउंड है। इसके बाद जब जाते हैं तो ये एक पिलर्ड हॉल मिलता है, आगे चल के एक पिलर्ड हॉल मिलता है। ये पिलर्ड हॉल को हम मंडपा कहते हैं। द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में ये एक नोटेबल चीज़ है, ये एक हमारा और एक फीचर है। ये तो मंडपा है, इसकी रूफ फ्लैट होती है, अनलाइक नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में। जो नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर है वहाँ पे ये फ्लैट रूफ नहीं है, वहाँ पर तीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मंडपाज हैं, जो कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये फ्लैट रूफ है इसकी पूरी, ये पूरी फ्लैट रूफ में आता है ये। मंडपाज, मंडपा के आगे चलते हैं तो ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया मंडपा का एरिया है। और इसके बाद ये वाला जितना एरिया है ये गर्भगृह है। गर्भगृह बेसिकली वही चीज़ है कि यहाँ पे जो जिस भी भगवान का ये टेम्पल है, उस गॉड की जो मेन आइडोल है, जो मूर्ति है, वो यहीं गर्भगृह में ही स्थापित की जाती है। और ये बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है पूरे मंदिर में। एक्चुअली पूरा मंदिर ही पवित्र है, लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा पवित्र है। यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता है जाना, ये सिर्फ यहाँ पे प्रीस्ट लोग हैं, जो पुजारी हैं उस मंदिर के, वही जाके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर पीछे मंडपा में रहकर प्रेयर कर सकते हैं, या फिर कीर्तन जो रहता है वो सब यहाँ पर कर सकते हैं ये मंडपाज में। मंडपा को और गर्भगृह को, दोनों को कनेक्ट करती है एक टनल। यहाँ पे टनल रहती है पतली सी, जिसमें मंडपा से गर्भगृह में जाया जा सकता है। ये टनल रहती है, इस टनल को बोलते हैं अंतराल। इट इज़ अ टनल और पैसेज वे टू एंटर गर्भगृह फ्रॉम मंडपा। तो बेसिकली एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है दोनों के बीच में, गर्भगृह और अंतराल के बीच। तो ये मंडपा जो कि लार्जर प्रेयर हॉल है, गर्भगृह जहाँ पे मेन आइडोल रहती है गॉड की। इसके बाद एक और फीचर है टेम्पल का, टावर्स। ये जो मेन टावर रहते हैं इस टेम्पल के, इनको कहते हैं विमान। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में इनको कहते हैं शिखरा, लेकिन यहाँ पे इनको कहते हैं साउथ इंडिया में जो द्रविड़ियन है इसको कहेंगे विमान। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों के टावर हैं। इन दोनों के टावर में एक और बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इनके स्ट्रक्चर में। जो नॉर्थ इंडिया के टावर हैं वो कर्व्ड टाइप में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया के टावर हैं ये पिरामिडल टावर टाइप देखने को मिलते हैं, और ये ऊपर से ये फ्लैट रूफ। बेसिकली अगर बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से टावर यहाँ पर बनते हैं द्रविड़ियन टेम्पल में, इनको विमान कहते हैं। ये सेम वही डायग्राम है, इसमें सारे फीचर्स हैं। ये गोपुरम्स हैं, गोपुरम में एंटर करने के बाद एक मेन कंपाउंड मिलेगा जहाँ उसमें वाटर टैंक रहता है। उसके बाद मंडपाज मिलेंगे, पिलर्ड होल होते हैं, इसमें बहुत सारे पिलर होते हैं, और इनमें इनका एक फीचर है इनकी फ्लैट रूफ रहती है। इसके बाद गर्भगृह, अंतराल, ये टनल है जो कनेक्ट करता है। गर्भगृह के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर ये रहेगा विमान, विमान जो कि एक टावर स्ट्रक्चर है। ये सारे फीचर्स हैं इस द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। अगर इन दोनों की बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है शोर टेम्पल, ये वाला, और तमिलनाडु के ही तंजौर में है ये टेम्पल। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं द्रविड़ियन स्टाइल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो ये है कि बेसिकली इनकी लोकेशन क्या है, नगारा नॉर्थ इंडिया में है और द्रविड़ियन साउथ इंडिया में है। सिंपल है। जो टाइम पीरियड है, कहाँ किस टाइम पीरियड में फेमस हुए थे,
तो जो नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर है ये स्टार्टिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये गुप्ता डायनेस्टी के स्टार्टिंग में फेमस था, तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए थे। लेकिन द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो गुप्ता डायनेस्टी जब एंड होने लगी यानी कि 5th सेंचुरी के आसपास, तब ये द्रविड़ियन आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वहाँ से राइज किया। जो मेन टेम्पल का जो प्लेटफॉर्म है उस नगारा में राइज रहता है, जिसको हम जगती कहते हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं होता है। कंपाउंड वॉल नगारा में नहीं होती है, द्रविड़ियन टेम्पल में होती है, उसी कंपाउंड वॉल पे गोपुरम्स होते हैं। वाटर टैंक्स नहीं होते हैं नगारा में, द्रविड़ियन में वाटर टैंक्स होते हैं। और जो मंडपा की जो रूफ है ये बहुत की पॉइंट है, इसमें क्या है डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में, लेकिन द्रविड़ियन में फ्लैट रूफ रहती है। बहुत ज़्यादा नोटेबल डिफरेंस है दोनों में। और जो टावर्स हैं नगारा में शिखराज बोलते हैं, और द्रविड़ियन टेम्पल्स में उसको विमान बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है नगारा टेम्पल और द्रविड़ियन टेम्पल्स में। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी और दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। थैंक यू।